हाउ आर यू ऑल, वेलकम आप सभी का हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में। दिस इज सुमित जसूजा, आई एम योर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, जो हम कर रहे किया है बुल के बारे में, हमने स्टडी किया है, तो हम बुल के बारे में लिख लेते हैं। ये कैसा होता है, we get wool from, आज हम wool के बारे में पढ़ रहे हैं, क्लास सिक्स, चैप्टर नंबर आपका फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है, उसका पार्ट फोर है। हमें wool कहाँ से मिलता है, हमें मिलता है स्टूडेंट फ्रॉम हेयर ऑफ, कहाँ से मिलेगा, फ्लीस, फ्लीस इसको बोलते हैं, बालों को बोले फ्लीस ऑफ शिप गॉट, शिप से, गॉट से, रैबिट से, याक से, ठीक है, इनसे हमें मिलेगा, और कैमल से, इनसे हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, वूल मिलता है। और जो पॉइंट्स याद रखने वाले हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं, हेयर, ठीक है, जो इसकी थिन लेयर होगी, थिन लेयर ऑफ स्किन, थिन लेयर ऑफ स्किन रिमूव्ड। अब क्या है, इसके जो बाल होंगे, जिसकी जो स्किन की जो लेयर होती है उसको रिमूव किया जाता है, किसके लिए, वूल के लिए, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, शेयरिंग कहते हैं, ठीक है। और क्या है, वूल कहाँ का यूज होता है, वूल इज कहाँ का यूज होता है आपको पता ही है, स्वेटर, ब्लैंकेट, शॉल, कैप्स, यहां सब बनाने में इसका क्या किया जाता है, यूज, यूज फॉर मेकिंग वन क्लॉथ्स, वन क्लॉथ बनाने में कौन कौन से, सच एज स्वेटर, स्वेटर बनाने में और का यूज किया जाता है, कैप, शॉल्स, जितना चाहो आप ले सकते हो, शॉल्स, ब्लैंकेट्स, ब्लैंकेट्स, ग्लोव्स एक्सेट्रा, यहां सब जगह क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके वूल के बारे में है, आपको जो मिलेगा वूल उनके बालों से मिलता है, इसके रैबिट या कैमल, शिप, गोट, इनसे मिलता है, और जो इसकी हेयर होते हैं इसको, और साथ में इसकी स्किन को रिमूव किया जाता है, उसे हम शेयरिंग कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, शेयरिंग कहते हैं। वूल इज यूज फॉर मेकिंग वार्म क्लॉथ्स, वार्म क्लॉथ्स बनाने के लिए, सच एज स्वेटर, कैप, शॉल्स, ब्लैंकेट, ग्लव्स एक्सेट्रा, इन सभी को बनाने में इनका यूज किया जाता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसका सिल्क, सिल्क क्या होता है स्टूडेंट्स, काफी कॉस्टली होता है आपको पता है, ठीक है, सिल्क का यूज क्या होता है, आपको काफी कॉस्टली होता है, आपको पता है इसका यूज किया जाता है, गेट सिल्क, हमें सिल्क कहां से मिलेगा, फ्रॉम सिल्क वॉर्म से मिलेगा, सिल्क हमें कहां से मिलता है स्टूडेंट, सिल्क वॉर्म से मिलता है, ठीक है, विच लीव्स ऑन द, विच लीव्स ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी प्लांट्स, ठीक है, सिल्क क्या है, सिल्क हमें कहां से मिलेगा, सिल्क वॉर्म से मिलेगा, जो कहां पर रहते हैं, मलबरी प्लांट्स की लीव्स पर रहते हैं और वहीं अपना फूड खाते हैं, ठीक है। अब जो इसके अंदर सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, द लार्वा, लार्वा क्या होता है, अभी इसको आपको एक्सप्लेन करो, लार्वा ऑफ द सिल्क मॉथ, द लार्वा ऑफ द सिल्क मॉथ secretes, silk moth secretes a sticky fluid
विच बिकम सिल्क फाइबर, विच बिकम सिल्क फाइबर। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, देखो आपको बताया सिल्क यहां पर रहता है और यही मलबरी प्लांट्स की जो लीव्स है इसको खाता है। इसमें से क्या निकलता है स्टूडेंट, सिल्क खाने के बाद में ये एग देगा, एग देने के बाद जो स्टेज आएगी वो कौन सी स्टेज है, वो लार्वा स्टेज है। सिल्क मॉथ वहां से सेक्रीट्स करेगा, अपने में से क्या निकालेगा, एक स्टिकी फ्लूइड बनाएगा जिसे हम बोलते हैं सिल्क फाइबर कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, द लार्वा देन कवर इट्स बॉडी विथ सिल्क। और ये जिसने स्टिकी सब्सटेंस अपने में से रिलीज किया है, ठीक है, वो अपने आप को उससे कवर करेगा विथ सिल्क, सिल्क फाइबर एंड देन टर्न्स इनटू प्यूपा। इसमें टर्न हो जाएगा, वो प्यूपा के अंदर टर्न हो जाएगा। दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग इज कॉल्ड कुकून। इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कुकून कहते हैं। जो लार्वा होगा वो अपनी बॉडी को जो इसने स्किन फाइबर अपने में सेक्रेट किया उससे कवर कर लेगा, फिर एक नेक्स्ट स्टेज आती है उसको बोलते हैं प्यूपा। ठीक है, दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग और अपने को कवर करने कवरिंग को ये क्या बोलते हैं, कुकून कहते हैं। ठीक है, These cocoon are then boiled. क्या किया जाता है उसको, बॉइल किया जाता है इन वॉटर। इसी कुकून ये इस बॉल छोटी छोटी बॉल्स की तरह उसको क्या किया जाता है, बॉइल किया जाता है वॉटर के अंदर, एंड टू गेट सिल्क फाइबर। उससे हमें क्या मिल जाएगा, एकदम प्योर सिल्क फाइबर मिल जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखना है इसके बारे में, इट इज कॉस्टली। कैसा होता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, कॉस्टली एंड फाइन फाइबर। एक किलो सिल्क को बनाने के लिए 6,600 सिल्क वॉर्म्स को उबाला जाता है, मारा जाता है। ठीक है, ये एक फैक्ट है, आपको ये याद रखना है ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सैड है। ठीक है, थोड़ा आपको दुख देने वाला है, उसका थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब आपको थोड़ी सी सिंथेटिक फाइबर के बारे में हम स्टडी करते हैं। किसके बारे में, सिंथेटिक फाइबर के बारे में, जिसे हम मैनमेड फाइबर भी कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है, सिंथेटिक फाइबर को हम मैनमेड भी कहते हैं, मैनमेड फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, ये कैसा होगा, लेस एक्सपेंसिव होगा, चीपर होता है, सस्ता होता है। ठीक है, और ये क्या होगा, ड्यूरेबल होगा। ठीक है, हम सिंथेटिक फाइबर की प्रॉपर्टी स्टडी करें। थर्ड क्या है, रेडली अवेलेबल, बहुत जल्दी बन जाता है, और क्या है, ड्राई अप क्विकली, बहुत जल्दी क्या हो जाता है, ये सूख जाता है, इजी टू मेंटेन। ठीक है, और मेंटेन करने से क्या है, इसे रखना आसान है। सिक्स पॉइंट, डू नॉट रिंकल इजिली, डू नॉट रिंकल इजिली, सुकड़ता नहीं है ये। ठीक है, और क्या है, इजी टू वॉश, और क्या है, दे आर इलास्टिक एंड कैन बी स्ट्रेच, दे आर इलास्टिक
एंड कैन बी स्ट्रेच्ड इजीली। सभी पॉइंट्स को अपने रिवाइज करेंगे अभी, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट, दे आर स्ट्रॉन्ग they are strong used to make parachutes and ropes इसकी प्रॉपर्टीज है सिंथेटिक फाइबर्स की, लेस एक्सपेंसिव, चीपर है, सस्ता है, ड्यूरेबल, लंबे समय तक चलता है, आसानी से कहीं भी मिल जाता है, जल्दी सूख जाता है, ठीक है, उसे मेंटेन कहीं भी रखना आसान है, डोंट रिंकल इजीली, सुखड़ता नहीं आसानी से, धोना आसान है, ये आराम से स्ट्रेच भी हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है, इसे पैराशूट और रॉक्स भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको इसके अंदर सिंथेटिक फाइबर की प्रॉपर्टीज के अंदर लिखने हैं। अब कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं, जो इसके नुकसान हैं वो हम देख लेते हैं। वो एडवांटेज थी जो हमने पढ़ी थी, डिसएडवांटेजेस हम देखते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स क्या हो जाते हैं, मेल्ट ऑन हीटिंग, गर्म करने पर क्या हो जाते हैं, ये मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। सो इसका क्लोथ्स So if the clothes can catch fire it can be dangerous it can be dangerous ठीक है। अब क्या होगा, ये अगर क्लोथ्स में आग लग जाए तो वो क्या हो सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं। द फैब्रिक melts, ये क्या हो जाए, पूरा पिघल जाएगा, and sticks to the body, and sticks to the body, पूरी बॉडी के साथ में चिपक जाएगा, ठीक है। therefore we should therefore we should not wear synthetic clothes synthetic clothes while working in the kitchen or in lab। सिंथेटिक फाइबर्स पिघल जाते हैं हीट करने पर और अपनी बॉडी के साथ में चिपक जाते हैं, और अगर इन्होंने कैच फायर कर ली तो ये क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। द फैब्रिक मेल्ट्स, ये पिघल जाता है, स्टिक्स टू द बॉडी, पूरी बॉडी के साथ में चिपक जाता है। इसलिए हमें किचन में काम करते समय स्पेशली आपको क्या करना है, सिंथेटिक फाइबर्स वर्क सिंथेटिक फाइबर्स नहीं पहनने हैं, और यार लैब में करते वर्क करते समय भी आपको सिंथेटिक